सब स्कीम हर पूरे जिले में चलेंगे हमारे। हम लोग बच्चों के एडमिशन को लेकर और उनको जो है उन गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीमें उनको ये कर सकते हैं, उस स्कीम में ला सकते हैं और स्कीम का फायदा कैसा पहुंचा सकते हैं, ये सब चीजों की हम लोग मुहिम चलाएंगे, जिससे समाज का ही तो हर काम करने के लिए तैयार है। ईशान्य मुंबई में लगभग कितना सीट की तैयारी है आपकी? देखिए वो तो चुन के आना चाहिए। वैसे तो मैं तो बोलूंगा कि 39 सीटें हैं तो मेरे को 39 सीटें राष्ट्रवादी को मिल जाए और हम पूरी सीटें जीत के आए, ये मेरी ख्वाहिश रहेगी। मगर युवा बोलते हैं कि जो है हर एक पार्टी का पीठ की रीढ़ की हड्डी होती है। हम लोग पवार साहब के विचारों को लेकर, रस्ते से लेके और आवाम की आवाज को लेकर हर एक कार्य सरकारी कार्यालयों तक पहुंचाने के लिए खड़े हैं और वो सब जो डिसीजन है हमारे वरिष्ठ नेता लोग तय करने वाले हैं कि कितनी सीटें लेना चाहिए। मैं लास्ट सवाल आपसे पूछता हूँ कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए गुण गौरव सम्मान जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम का आयोजन करेगी क्या भविष्य में, देखते हुए? देखिए गुण गौरव जो होता है आप पर्टिकुलरली एक से दो स्टूडेंट या पांच स्टूडेंट या 20 स्टूडेंट को लाके कराओगे। हम इस समाज के हर एक दबे कुचले जो घर से निकले हुए स्टूडेंट को उसके परसेंटेज की मैपिंग नहीं करते हुए, उसके गुणों की मैपिंग नहीं करते हुए, उसको शिक्षा में कैसे अच्छे से अच्छा स्थान मिले, उसको कैसे किस तरीके से उसको गवर्नमेंट की स्कीमों में लाके उसकी जो भी मतलब हालात जो है, जो वित्तीय हालात जिसकी इसकी खराब है, उसको किस तरीके से मदद मिले, उस पर काम करने। और मैं समझता हूँ राष्ट्रवादी यही विद्या सभी विद्यार्थियों का गुण गौरव करना चाहिए इसी तरीके से। धन्यवाद। दशा नहीं होती और हम लोगों को खास करके ये इलाके में, मैं सब प्रॉपरली कम्युनिटी वाइज ये बात नहीं करूंगा, मगर यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय ज्यादा रहता है और अक्सर घर की हालातों को खस्ता रहती है। तो जब है ना बजट के एजुकेशन के मामले में जब बजट बनाया जाता है ना, तो अक्सर बेटों को घर वाले ज्यादा ये करते हैं। तो इसके लिए हम लोग सोचते हैं कि समाज से कोई ना कोई निकले और बच्चों के लिए वो चीजों को प्रोत्साहन करें, जिससे वो खस्ता हालत से बाहर निकल के उनको सपोर्ट हो। जैसे अपना इलाका सलम गोंडी इलाका है, मगर इसमें के जो कम परसेंट लड़के लाते वो आगे की तालीम हासिल नहीं कर पाते और उसके जरिए फिर नशे की तरफ बढ़ जाते। उसमें दरअसल ऐसा है कि देखिए हर कोई लड़कियों को, चाहे सरकार हो भी, आज जो लड़कियों की दशा होती है वो सरकार भी उनको बढ़ावा दे रही है। हमारी पार्टी का भी विजन है, हमारे आदरणीय शरद पवार साहब की ही ये देन है कि हर जगह पर 50% आरक्षण, यहाँ तक कि बीएनसी इलेक्शन में जो 50% का आरक्षण हुआ था वो भी हमारे आदरणीय शरद पवार साहब की देन है। इसलिए वो हमारी पार्टी का एक वसूल है कि लड़कियों को ज्यादा प्रिफरेंस देना है, उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश है। और यहाँ मानपुर शिवाजीनगर में सबसे ज्यादा कॉलेज और स्कूल की जरूरत है बच्चों को है, लेकिन यहाँ पर इसकी जनसंख्या कॉलेज और स्कूल की कम है। इसके लिए किस तरह के आप लोगों के प्रयास रहेगा कि बच्चे ज्यादा से यहाँ पर शिक्षा ले सके, क्योंकि शिवाजीनगर गोंडी मानपुर के जो बच्चे हैं उनको चेंबूर या बाहर के अन्य इलाकों में जाना पड़ता है, इसके लिए क्या सोचा? बहुत बड़ी दुर्दशा है, आप देखेंगे अभी 15 साल हो गया यहाँ पर और हमारे आदरणीय विधायक जी उनको तो यहाँ पर एक अच्छा कॉलेज वगैरह खोलना चाहिए और अभी हमारा एमएलए या एमपी नहीं है यहाँ पर, तो हम उस पर बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा प्रयास ये जरूर है कि बीएमसी में जितने भी यहाँ स्कूल हैं वो सभी 10वीं तक कम से कम हो जाए। तो सर इससे पहले एनसीपी का एमपी भी तो थे, उस 5 साल में क्या हुआ?